हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 7.16 से लेके 7.21 तक। ठीक है, तो आज का टारगेट हमारा ये है। तो यहाँ हमने कंसीडर क्या है, चलो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कट आउट। चलो, तो सबसे पहले इमेजिन किया ये हमारे पास हो गई हमारी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, और इसमें जो रेडियस हमें गिवन है वो रेडियस हमारे पास हो गई आर आर। ठीक है, तो ये हो गई। करेक्ट, एक स्मॉल होल इज कट आउट द सेंटर ऑफ द होल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू। इट मीन्स जो सेंटर होगा, सेंटर कहीं यहां है। ठीक है, और अब इसमें से पार्ट रिमूव करना है, तो यहां से अगर हम देखते हैं रिमूव्ड पार्ट जो है वो रिमूव्ड पार्ट हमारे पास कुछ ये बनेगा। ठीक है, चलो ये होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियल जो सेंटर था वो यहां पर है हमारे पास, ये है इनिशियल सेंटर, और नया सेंटर यहां पर है। ठीक है, अब डिस्क जो है ये पार्ट ऑफ 2D है। जब ये 2D पार्ट है तो हमारे पास क्या आएगा, 2D पार्ट है तो हमारा जो आंसर बनता है सेंटर ऑफ मास के लिए, फॉर्मूला था आर इक्वल A1R1 माइनस A2R2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब बॉडी के अंदर से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाए, उस केस में। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें R1 R2 A1 A2 के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करते हैं डियर R1 के बारे में, देखो R1 क्या होगा, R1 हमारे पास होगा ओरिजिन से इनिशियल जो बॉडी हमारे पास, यानी जो पहली स्टार्टिंग में बॉडी हमारे पास होगी ओरिजिन से, उसका डिस्टेंस। ठीक है, अब पहली बॉडी का जो सेंटर है वो यहाँ है और ओरिजिन भी हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए R1 की वैल्यू तो हो जाएगी 0। R2 बचेगा क्या, रिमूव्ड पार्ट जो है, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर बताना है ओरिजिन से। तो ओरिजिन यहाँ था, ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे R/2 क्वेश्चन में भी गिवन है ये तो। ठीक है, ये रहा वो पार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया R/2। चलिए, तो R/2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिलती है यहाँ पर R/2, तो हमने R/2 डिसाइड कर लिया। अब है A1, A1 का मतलब होता है हमारा टोटल एरिया, इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया क्या है, डिस्क है तो डिस्क का एरिया हो गया πr², और अगर हम बात करते हैं A2, A2 हमारे पास है रिमूव्ड पार्ट का, ये चीज ध्यान रखना है, A2 जो होगा वो होता है रिमूव्ड पार्ट का एरिया। A2 रहेगा एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, तो रिमूव्ड पार्ट का एरिया बना πr² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। देन आर विल बी इक्वल A1, A1 कितना है πr², R1 कितना है, R1 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो R1 हमारे पास 0 है, माइनस A2 πr² होल स्क्वायर, और R2 की वैल्यू जो है वो R/2 है क्वेश्चन में हमारे पास, डिवाइड बाय A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2, A1 है πr² और A2 है πr² बाय 4। रीअरेंजमेंट करते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ पार्ट क्या रहा, अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहां हमें मिलता है πr² और इंटू में R/8 डिवाइड बाय, बचा हुआ पार्ट क्या मिलता है, देखो यहाँ क्या मिला, इसका एलसीएम बनाते थे जाता है 3πr² डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 से ये 2 बार गया, πr² कैंसिल आउट हुआ, आंसर मिलता है -R/6। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या फिर सेंटर ऑफ मास होगा, इनिशियल पोजीशन से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कितना, R/6 डिस्टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है हमारे पास कि कोई मीटर स्टिक है। मीटर स्टिक का मतलब हो गया 1 मीटर लेंथ है इसकी। इट्स बैलेंस ऑन द नाइफ एज इट्स सेंटर। ठीक है चलो जी, ये इमेजिन करते हैं कोई मीटर स्टिक है हमारे पास। कह रहा है ये इसका सेंटर हमने यहाँ पे कंसीडर किया, नाइफ एज पर बैलेंस है। बैलेंस है तो इसका मतलब यहाँ जो ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बचा हुआ पार्ट भी 50 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है आगे देखते हैं। कह रहा है व्हेन टू कॉइन ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट ऑन द वन अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क। तो इमेजिन करते हैं यहाँ है 12 सेंटीमीटर मार्क, और कह रहा है कि यहां पर कोई कॉइन रखनी है, दो कॉइन, कॉइन एक और कॉइन दो, दो कॉइन रखी है, और ईच कॉइन का जो मास है वो कह रहा है 5 ग्राम है। ईच कॉइन का मास कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, और यहां से ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रही है, ये डिस्टेंस हमें कितनी मिलती है यहाँ? अगर इस डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल है यहां से यहां तक, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 45। तेरा स्टिक जो है बैलेंस हो गई, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट यहां पर है, और ये कौन है? सेंटर ऑफ मास से पार्ट होने वाले, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इस पॉइंट को डिसाइड कर लिया यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। चलो देखते हैं भाई, इनिशियल मीटर स्टिक का यहाँ बैलेंसिंग पार्ट था, तो ये क्या होगा हमारे पास? ये होगा एम जी, नीचे की तरफ खींच रहा है, और यहां से ये डिस्टेंस होगी हमारे पास कुछ, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो यहां से ये डिस्टेंस थी 45 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, और उसने कहा है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 55 है, तो ये जो पार्ट हमारे पास बचता है, ये बचता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर यहां हम बात करें, यहां से देखो यहां एक फोर्स लगेगा इस हिस्से पर जो नीचे की तरफ इस रॉड को खींचेगा, मीटर स्टिक को खींचेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 5 × g है, ग्राम से किलोग्राम ट्रांसफर कर लेते हैं, इंटू मैं सोल्यूशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सा पार्ट रोटेशनल के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा, कौन सा एंटी क्लॉक बनाएगा। तो यहां अगर हम देखते हैं टॉर्क ड्यू टू स्केल, स्केल की वजह से जो टॉर्क होगा इट विल बी इक्वल, किसकी वजह से? स्केल नहीं, टॉर्क ड्यू टू सेंटर ऑफ मास ऑफ स्केल, इट मीन्स टॉर्क ड्यू टू एम जी शुड बी बराबर किसके होना चाहिए? दूसरा टॉर्क हमारे पास क्या है? 5 × 10⁻³ g। इसकी वजह से भी टॉर्क जो जनरेट होगा सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर देखो, अगर एम जी को आप देखोगे, यहां मेरे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो शिफ्ट होके आया, और ये था एम जी, तो यहां से अगर हम डिसाइड करते तो ये हो गया एम जी। ठीक है, तो यहां से एम जी जब नीचे खींच रहा है तो रॉड यानी स्केल जो है ऊपर की तरफ होता है, इट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए ये डिस्टेंस मेरे को मिलती है यहाँ पे कितनी है? 5 सेंटीमीटर हो गई। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसके लिए? दूसरे फोर्स के लिए। दूसरा फोर्स कौन सा है? दूसरा फोर्स हमारे पास ये था यहाँ पे 5 × 10⁻³ g। ठीक है, अगर इस फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये फोर्स क्या कर रहा है? ये फोर्स यहां से नीचे खींच रहा है, ये हमारा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो स्केल क्या करेगा? स्केल यहां से ऊपर उठा, इट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया? हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगी? देखो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो ये बची हुई कितनी रहेगी हमारे पास? ये बचा टोटल डिस्टेंस 45, 45 में से 12 हटाते हैं तो आंसर आता है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर 5 सेंटीमीटर। चलो बैलेंस करते कहानी को, रिजल्ट क्या था? टॉर्क ड्यू टू एम जी, एम जी के लिए कौन है? एम जी जो है क्लॉकवाइज है, और उसके लिए यहाँ लिख दिया एम जी एज इट इज है, और डिस्टेंस 5 × 10⁻², इक्वल का साइन। आगे चलते हैं, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए फोर्स है 5 × 10⁻³ g इंटू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम देखते हैं डिस्टेंस यहाँ कितनी हमारे पास? ये है 33। ठीक है, यहां से रीअरेंज करते हैं, जी से जी कैंसिल आउट हो गया हमारा, अच्छा यहाँ दो दो रखे हुए थे तो ये 10 रहेगा। ठीक है, ये 10 रहेगा क्योंकि 5 ग्राम ईच कॉइन का मास था, तो यहाँ जो आएगा 5 की जगह आएगा 10।
ठीक है, ये 10 ग्राम रेगुलर। अब यहां से सेंटीमीटर था तो 10^-2 ये भी ले लिया, पावर से पावर कैंसिल आउट हो गया, 5 से यहाँ पे 2 बार ये कैंसिल आउट हुआ। देन एम विल बी 66 × 10^-3 किलोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 66 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास आता है क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है। चलिए 18 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है, ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ सेम मास, सॉरी सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। चलो कंसीडर करते हैं, एक सिलेंडर इधर आएगा, एक सिलेंडर इधर आएगा। सिलेंडर नहीं है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यहाँ एंगल बनता है θ1, यहाँ एंगल बनता है θ2, और हम इमेजिन करके चलते हैं कि θ2 इज ग्रेटर देन है θ1 से। ठीक है, कहता है विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस। चलो पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या होगा, अगर हम डिसाइड करते हैं यहां से ये जो हाइट हमें मिलती है, ये हाइट हमारे पास है, इसकी हाइट को इमेजिन कर लेते हैं, हाइट हो गई h। ठीक है, अब सिलेंडर है या फिर स्फीयर है, रोल करके आएगा, एक बार इधर की तरफ आएगा, एक बार इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कुछ होगी, वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी से पहले एक बात फिक्स है कि यहाँ ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब सिलेंडर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल नहीं होगी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी कंसिडर किया, ये पॉइंट हो गया सी। तो अगर बात करते हैं क्या टोटल एनर्जी कहां पर एट पॉइंट बी बराबर होगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, अगर हम डिसाइड करते हैं तो बी पर जो है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एच हो गया इक्वल। ए पर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन होगा, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन दोनों होगा, ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एम जी एच विल बी इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मतलब 1/2 mv² प्लस रोटेशन के लिए 1/2 i ω² सबसे पहला काम एम जी एच एज इट इज लिखते हैं, यहाँ 1/2 mv² एज इट इज प्लस 1/2 अगेन, और i सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉरी स्फीयर है, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr². ठीक है, ये होता है हमारा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लेस करते हैं, आंसर क्या आता है, यहाँ हमें मिलता है साथ में 2/5 mr² और ओमेगा, ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं, ओमेगा जो होता है वो होता है v/r, तो यहाँ हमें मिलता है v² / r². ठीक है, अब देखो r² से r² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो एम जी एच जो आता है ये आता है, चलो 2 को कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी, या फिर कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, 1/2 mv² प्लस में 1/5 mv², यहां से रीअरेंज करते हैं तो आंसर आता है एम से एम कैंसिल आउट हुआ, जी एच विल बी इक्वल, यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आया 10 और यहाँ बचता है 7 times of v², देन फाइनली लिखते हैं v² = 10 gh/7 और वेलोसिटी विल बी इक्वल अंडर द रूट 10 gh/7 ये आता है। ठीक है, अब यहां से हमने देखा क्या, देखा कि वेलोसिटी जो है वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ किस पर, इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से कोई लेना देना नहीं है, दिस इंप्लाइज इन बोथ केस स्फीयर विल रीच एट बॉटम विद द सेम स्पीड। ठीक है, दोनों केसेस में जो सिलेंडर स्फीयर है वो सेम स्पीड से पहुंचेगा। ठीक है, कहता है विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर। अब उसने पूछा है कि जो सिलेंडर रोल करके आएगा तो कौन से केस में वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, फर्स्ट केस यानी θ1 के केस में या θ2 के केस में। ठीक है, चलो अब देखो कौन से केस में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम के लिए फॉर्मूला हमारे पास दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में देखते हैं u 0 है, इट मीन्स v इक्वल यू प्लस ए टी होता है,
यहां से हमें पता चला v इक्वल यू 80 हो गया, तो यहां से हम कहते हैं t इक्वल हुआ v बाय a। अब देखो वेलोसिटी जो था दोनों केसेस में सेम था, इट मीन्स टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अब जिस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो जिस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा है वहां टाइम कम लगेगा, और जहां एक्सेलरेशन कम है वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो डिसाइड करते हैं। देखो एस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था हमारा क्या था, स्फीयर किसी भी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था जब वो किसी इंक्लाइन प्लेन पर रोल डाउन करके आ रहा है, ठीक है, तब जो उसके पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस i/m आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा के साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेशन में है, तो लिखते हैं साइन थीटा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। दिस इंप्लाइज थीटा 1 लेसर है थीटा 2 से, इट मीन्स साइन थीटा 1 विल ऑल्सो बी लेसर होगा साइन थीटा 2 से। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन इनवर्स में है, एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली में, तो यहां लिख दिया हमने ए वन लेसर होगा ए टू से। तो जहां ए वन कम है मतलब एक्सेलरेशन जहां कम है वहां टाइम ज्यादा लगेगा, इनवर्स का रिलेशन है, तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज टी वन विल बी ग्रेटर देन टी टू। ठीक है, तो जो स्फीयर है वो यहाँ बी से ए तक आने में ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और बी से सी तक आने में कम टाइम का कंजप्शन होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलते हैं। 19 का कहना है ए हुप ऑफ वेट रेडियस 2 मीटर है। चलो जी, रेडियस हमारे पास है इसकी कितनी, 2 मीटर, रेडियस हो गई 2 मीटर, एंड मास जो हमें गिवन है, मास की वैल्यू हमारे पास है 100 किलोग्राम। ठीक है, रोल्स डाउन अलोंग द हॉरिजेंटल फ्लोर सो दैट इट्स ए सेंटर ऑफ मास एज ए स्पीड ऑफ इतना, तो किसी वेलोसिटी से वो चल रहा है और वो कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करते हैं तो 0.2 मीटर पर सेकंड हमें आंसर मिलता है। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट, अब कह रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, वर्क डन के टू स्टॉप इट। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल, दोनों केसेस यूज होंगे यहाँ पे, तो यहाँ है रोटेशनल। ठीक है, देन इट विल बी इक्वल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मतलब 1/2 mv² हो गया, और ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ रोटेशन अगर हम बात करते हैं तो यह आता है 1/2 i ω². ठीक है, इतना पार्ट कवर हो गया। इतना पार्ट कवर होने के बाद आगे की कहानी क्या होती है, यहां से अरेंज करते हैं तो W इक्वल किसके बराबर आता है, W विल बी 1/2 mv², चलो अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, पहले सारा आंसर एक ही टर्म्स में रखते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास 1/2 i के लिए हम रखते हैं m × r² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा, ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं v² / r², r² कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ भी आंसर हमें कितना मिलता है, ये आंसर हमारे पास आता है 1/2 mv², ये भी 1/2 mv² हो गया और इधर भी 1/2 mv² हुआ, इट मीन्स w विल बी इक्वल mv², देन w इक्वल m कितना है हमारे पास 100 किलोग्राम और वेलोसिटी 0.2 का स्क्वायर, आंसर कितना मिलेगा 100 साथ में 0.04, आंसर सॉल्व करने पर पता चलता है 100 जूल, तो 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा उसे स्टॉप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसे अगर रोकना है तो उसे एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी जितने उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 20, चलो जी देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज ए मास ऑफ, इतना मास जो है मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का गिवन है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू एटम्स, मान लिया एक मॉलिक्यूल सॉरी एक एटम यहां है एक एटम यहां है, तो यहां से इनके सेंटर्स के ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस यहाँ इस एक्सिस के अबाउट उसने बोला है। ठीक है, ये पर रोटेशन जो है कुछ इस तरह से, तो इमेजिन किया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आर होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो गई आर। ठीक है,
चलो प्रोसीड करते हैं आगे। सपोज द मीन स्पीड ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, मीन स्पीड ऑफ ए सच मॉलिक्यूल, जो स्पीड हमें दे रखी है वी इक्वल हमारे पास है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है हमारा आंसर की शुरुआत। और कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है दैट इज, यहाँ रोटेशन है और ये होगा 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। चलो देखो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशन के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, 1/2 I ω² इक्वल 2/3 × 1/2 mv² तो 1/2 एज इट इज है, आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m × r², साथ में ω² इक्वल 2/3 × 1/2 साथ में mv², m से m कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या मिलता है यहाँ से, अगर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो, और 1/2 से हमारा 1/2 भी कैंसिल आउट होता है, तो यहां से मिलता है ω² विल बी इक्वल 2/3 r² और साथ में हमारे पास है v², तो यहां से अगर ओमेगा ढूंढते हैं देन ओमेगा विल बी √2/3 × v/r। ठीक है, हमें ये प्रोसीड करना है आगे, तो आंसर आगे लेके जाने के लिए पहले हमें v और r के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो देखो v तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन r अभी हमें फाइंड करना है। r का मतलब क्या है, r हमारे पास है ये डिस्टेंस। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, तो मास ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम कितना आया, मास ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम, तो सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास कितना आएगा हमारे पास, ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 5.3 × 10²⁶ से डिवाइड बाय 2, ये आता है मास ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, अब मास हमें कैलकुलेट मिल चुका है, मास हो गया 1 किलोग्राम में, और अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, देखो आई कितना है, आई हमारे पास है 1.94 × 10²⁶ किलोग्राम मीटर² हमारे पास फॉर्मूला था एज आई विल बी इक्वल mr², दिस इंप्लाइज आर विल बी इक्वल √i/m। ठीक है, चलो आर की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या करना है, सारा डाटा प्लेस करते हैं, प्लेस करते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें, तो दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 1 और 2 देखोगे तो आंसर क्या मिलता है, 1 और 2 से हमें पता चलता है क्या मिलेगा, 1 और 2 से 1 यहाँ पर है 2 यहाँ है। ठीक है, तो 1 और 2 देखो यहाँ और यहाँ इन दोनों इक्वेशंस में देखना है, देन ओमेगा विल बी इक्वल 2/3 ओवर √ × आर डिवाइड में है, और आर की वैल्यू जो है रूट के अंदर है, रूट के अंदर, तो यहाँ रहा आई और यहाँ पहुंचा हमारा एम और साथ में बाहर होगा वी। ठीक है, चलो जी डाटा प्लेस करते हैं सारा, तो ओवर द रूट 2/3 × m, मास ऑफ इस ऑक्सीजन एटम कितना है 5.3 × 10²⁶ डिवाइड बाय आई कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास था 1.94 × 10²⁶ × v, और v कितना है वेलोसिटी, v v के बारे में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में कहना है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमें फाइनली मिलता है दैट आंसर विल बी 6.8 × 10²⁻²² रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आता है फाइनल हमारा इसका। ओके चलिए एक बार देख लो, हो गया, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास, और वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन का कहना है कि ए सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप ऑन इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइनेशन प्लेन, द सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड ये। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक इंक्लाइन प्लेन डिसाइड करते हैं,
ये इंक्लाइन प्लेन हो गया हमारे पास, और अब उसने कहा है कि बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रही है तो एट द टाइम ऑफ रोलिंग बॉडी यहाँ होगी, जब स्टार्ट करेगी रोल अप होना। मान लिया वो यहाँ पहुंची, कुछ उसने हाइट कवर की, ठीक है, कुछ हाइट होगी उसके पास, और उस हाइट को इमेजिन कर लेते हैं, ये हाइट हमारे पास हो गई इसकी एच, और यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द इंक्लाइन प्लेन। कह रहा हमने एज्यूम कर लिया कि सिलेंडर यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, एस हमने निकालना है। चलो जी, देखो एस ढूंढने के लिए अगर हम आंसर के पास चलते हैं तो डायग्राम में एच बाय एस जो है इट विल बी हमारा क्या होगा, साइन थीटा। तो अगर हमने एस फाइंड आउट करना है तो एच बाय साइन थीटा सॉल्व करना पड़ेगा, और एच बाय साइन थीटा सॉल्व करने के लिए पहले हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की जरूरत है, एच निकालते हैं। एच कैसे निकालना है, देखो ये सिलेंडर जो है रोल करके कितना हाइट ऊपर गया, बेसिकली जब सिलेंडर चल रहा होगा तो उस टाइम पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी रोटेशन की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशन की वजह से भी, तो दोनों एनर्जीज को पहले अरेंज करना है। सबसे पहली बात, सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 1/2 m × r², ये थे सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बराबर होगा mgh, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मतलब 1/2 mv² प्लस रोटेशन 1/2 i² इक्वल आता है mgh, ठीक है। तो अगर इस आंसर को नॉर्मल वैल्यूज में ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 1/2 mv² प्लस में 1/2 × 1/2 mr², और साथ में ओमेगा की जगह आता है v² / r², आंसर विल बी इक्वल mgh, ठीक है। यहां तक का पार्ट कवर हो गया। चलो जी, अब देखो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से r² से r² कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये आता है 1/2 mv² प्लस 1/4 mv² इक्वल आता है mgh, तो यहां से हमें आंसर मिलता है 3/4 m × v² इक्वल mgh, और m से m कैंसिल आउट होता है, देन v² विल बी 4/3 × gh/√। ये आती है हमारे पास वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अब इसके बाद वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी तो हमें दे रखी है, सॉरी वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट नहीं करनी, हमें कैलकुलेशन जो करना है वो एच के लिए करना है। तो एच का कैलकुलेशन क्या मिलेगा, हमें एच का कैलकुलेशन करते हैं, देन v² है और एच यहां से निकालते हैं तो ये बनता है 3v² / 4g, 3 एज इट इज, वी है हमारा 5, 5² / 4 एज इट इज, और जी वैल्यू है 10। तो जैसे ही डाटा प्लेस करते हैं आंसर क्या मिलता है हमें, सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा, आंसर विल बी इक्वल 1.9, यहाँ से सॉल्यूशन होता है, एच इक्वल 9 × 5, 5 25 हो गया डिवाइड बाय 40, सॉल्व करने पर मिलता है 1.9 मीटर, तो यह आया एच। लेकिन हमने एच नहीं ढूंढना था, हमें कैलकुलेशन करना था किसके लिए, एस के लिए। तो एस कितना है, एस के लिए ऑलरेडी बता दिया था, यहां से ये फॉर्मूला हमने फॉलो करना है, तो हम लिखते हैं एस इक्वल 1.9 डिवाइड बाय साइन, और एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो 1.9 / 1/2 इट मीन्स 3.8 मीटर, ये तो आया एस। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि जो इंक्लाइन प्लेन है उस पर सिलेंडर कितना चलेगा, तो इंक्लाइन प्लेन पर कितना ऊपर जाएगा वो 3.8 मीटर। अब उसका कहना हाउ लॉन्ग इट विल टेक रिटर्न टू द बॉटम, कह रहा है बॉटम पर वापस आने में कितना टाइम लेगा। देखो टाइम के लिए अगर हम बात करें, सिलेंडर यहां से चलना शुरू करेगा इस पॉइंट से, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है, वेलोसिटी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन होती है हमारे पास वी इक्वल यू प्लस ए टी, तो यहां से अगर टाइम निकालना है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वी और ए, ठीक है। चलो v तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, देखो v के लिए इक्वेशन थी हमारे पास, v के लिए इक्वेशन कहाँ थी, v के लिए इक्वेशन हमारे पास यहां से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ था हमारे पास v² इक्वल है 4/3 gh, और यहां से अगर v की वैल्यू आइडेंटिफाई करते तो आता है 4/3 gh/√, v हो गया, लेकिन अभी बचा हुआ है एक्सेलरेशन। और जब कोई भी बॉडी, यानी कोई भी बॉडी है
और वो रोल डाउन करती है किसी इंक्लाइन प्लेन पर, तो एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला है जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस I/m r² ठीक है। यहां से देखो जी एज इट इज रख देते हैं, अभी साइन थीटा साइन 30 1 प्लस I, बॉडी कौन है क्वेश्चन में, सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना है, इट विल बी हमारे पास क्या आता है 1/2 m r² डिवाइड बाय mr² अगेन, mr² से mr² कैंसिल आउट हो गया 1/2, देन आंसर विल बी जी साइन थीटा सॉरी नॉट थीटा जी साइन 30 डिवाइड बाय 3/2, और इसे लिखते हैं 2/3 g sin 30, देन एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल 2/3 g, और sin 30 की वैल्यू 1/2 1/2 हमने प्लेस किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन एक्सेलरेशन विल बी g/3। क्या करना है, डाटा प्लेस करना, डाटा प्लेस करते हैं तो क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 1 इमेजिन कर लेते हैं, इससे ऊपर तो नहीं कोई इक्वेशन, नहीं चलो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 के लिए मेरे को चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने यहां से डिसाइड कर लिया, उसके बाद चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी हम यहाँ डिसाइड कर चुके हैं ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा यहां से फाइनल, देन एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल सॉरी नॉट एक्सेलरेशन टी विल बी इक्वल, पहले कह रहा है वी, वी हमारे पास आया था √4/3 g h डिवाइड बाय g/3। यहां से सॉल्यूशन करते हैं तो कितना मिलता है, देखो ये आता है ओवर द √4h/3 × 9 g ठीक है। आंसर सॉल्व करते हैं तो कितना आया, ये बनता है अच्छा 3 ऊपर सॉरी 4/3, तो यहां से जो 3 g था, 3 g यूज ना होके ये रहेगा ओनली 4 g h 4 × 3, 4 h × 3 डिवाइड बाय जी ये रहेगा ठीक है। देन इट विल बी वैल्यू प्लेस करते हैं सॉल्यूशन में क्या मिलता है, 4 × h 1.9 था × 3 / 10, सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर हमारे पास आता है इसमें ये आता है 4 × 12 12 12 × 1.9 आंसर सॉल्व करने पर लगभग आता है 1.51 ठीक है। तो टाइम कितना लगा, 1.51 सेकेंड्स, ये आता है हमारा वो टाइम जितना टाइम से कंज्यूम है ठीक है। क्लियर, आई होप क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे, आपको समझ आया होगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।